हेलो दोस्तों, तो दोस्त कैसे हैं? दोस्त आशा करता हूँ सभी दोस्तों की सेहत अच्छी होंगे और आपकी दुआ से हमारे भी अच्छी है। बारिश के मौसम है, देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गया है, तो भी हमने दुकान खोल के बैठा है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से और भी कुछ सोच रहा था, तो इसी दौरान एक काम आया है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी वीडियो बना दूं। एक मौसम भी ख़राब है तो दोस्तों इसको तो देख के आपको पता चल ही गए होंगे। बहुत भाइयों ने ये मशीन काम पे लेते हैं, मार्बल काटने के लिए, रॉड काटने के लिए, बांस भी काटने के लिए और भी क्या क्या काटने के लिए बहुत सारे काम पे आते हैं ये मशीन। तो ये लेके आया है जो टाइल्स काटने के दौरान यानी मार्बल काटने के दौरान अच्छी तरह से ये जो काट नहीं पाते उसका फॉल्ट एक ही फॉल्ट है। अगर मशीन अच्छी तरह से घूम रहा है तो अगर मार्बल पे ये लगाते हो ब्लेड, हालांकि ये रॉड काटने का ब्लेड है, मार्बल काटने का अलग ब्लेड आता है, अगर सही तरीके से काट नहीं रहा है तो ब्लेड देखिए, अगर कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वैसा ही प्रॉब्लम आएगा। अगर ब्लेड सही है तो इसका एक ही रीजन है, ये ऊपर का जो एक बियरिंग रहता है इसमें देख सकते हैं बियरिंग ख़राब है, इसका ये बियरिंग प्रॉब्लम होने का कारण में ऐसा हो सकता है अगर आपका बैलेट सही है। तो कुछ तो नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, तो नॉलेज देंगे कैसे वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसको खोले कैसे हम, तो वीडियो बनाना तो स्टार्ट कर दिया हमने, इसको खोले कैसे हम। तो बाबू पकड़ो, देखते हैं कोशिश करते हैं इसको खोल सकते हैं या नहीं। पहले इसको खोल लेना है, उसके बाद इसको हटाओ और यहाँ से वायर भी हटा लेते हैं। पहले बहुत बहुत वायर है, इसको इस तरफ हटा लेते हैं और इसको खोलने से पहले ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है ये मल्टीटेक कंपनी का है, हथौड़ा से ठोको तो कुछ भी नहीं होता, ये स्क्रू ड्राइवर इतना अच्छा क्वालिटी है, हथौड़ा के सहायता से हम इसको खोल लेंगे इसी तरह। इसको थोड़ा सा ठोकेंगे फिर खोल लिया है, ये हिसाब से तो खोलेगा, आसानी से खोलेगा दोस्तों, इसका एक लाट तो खोल लिया है, अभी दूसरा लाट बाकी है। फिर से हथौड़ा को ठोकना होगा, ये तो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा स्किप कर देंगे हम। तो दोस्तों हमने लाट तो दोनों अच्छी तरह से खोल लिया है, लेकिन इसमें जो गंदगी है तो इतना गंदगी है इसमें, सिर्फ काम 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 ही किया है, इसको खड़ा करने का कोई
सोसा नहीं है। इसी तरह से ठोक ठोक के इसको बाहर निकालना है। अब तो बाहर निकल के दे दिया, तो इससे पहले हमको चेक करना है। अभी तक दोस्तों हमने मिक्सिंग अभी तक चेक नहीं किया, घूम रहा है या नहीं। तो इन्वर्टर को दो, इन्वर्टर को दो, बोलिए। जो मिक्सिंग का मालिक है वही सफा करने का लग गया है। तो भैया इसको बाद में सफा करो, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। ये तो लाइन नहीं है हमारा पास, लेकिन इन्वर्टर है, वही इन्वर्टर की मदद से हम इसको चेक करेंगे। स्विच दबाओ, मतलब मशीन सही है, एकदम सही है। तो हमारा फॉल्ट कहाँ पे है दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको। इसमें एक बेयरिंग रहता है, यहाँ पे फॉल्ट है, तो उसको खोले कैसे। तो इसको खोलने की कोशिश करेंगे, अगर खोल लिया तो अच्छा ही बात है, नहीं तो हम इसमें नया अलाव है हमारा पास, वही हम लगाने के बाद में कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, पुराना वाला खोल लेते हो सही बात है, अगर नहीं तो नया लगा देंगे, क्योंकि इसमें नया लगाने ही बेहतर है कि बहुत पुराना हो गया है, जम लग गया है, और इसको यहाँ पे जो एक लॉक रहता है वो खोलने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से खोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम एक साइड तोड़ दिया है, तो ये जो पिनियम या गियर बोल सकते हो, इसको हम इसकी मदद से इसको बाहर निकालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फंसाएंगे, और इसकी मदद से इसको घुमाकर खोल लेना है। क्योंकि दोस्तों ये खोलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पहला हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कम्प्लीटली खोल लिया है, तो इसको ये कि हम फिट करेंगे। इसमें पहले फिट करना है बेयरिंग, इसी तरह पहले हम बेयरिंग को फिट करेंगे। दूसरे बेयरिंग की सहायता से हम इसको ठोकेंगे। और उसके बाद ये हमारा पास एक जुगाड़ है, फिर से ठोकेंगे। तो लग गया हमारा बेयरिंग। इसी तरह ठोक ठोक के लगाएंगे हम, एकदम प्रॉपर तरीके से लग गया है। उसके ऊपर इस ढक्कन को हम लगाएंगे। Hold on,
उसके बाद ये वाला लगाना है और उसके बाद ये चांद जैसा गुटका है इसमें ये भी लगा देना है और उसके बाद ये जो पिनियम है इसको लगाना है और फिर से ठुकाई करना है नहीं तो एगोसेगा नहीं। तो हो गया हमारा काम तमाम। अब इसको अच्छी तरह से हम फिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास अच्छी क्वालिटी की बियरिंग है, क्या बियरिंग सॉरी ग्रीस है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का ग्रीस है, अच्छी क्वालिटी का। तो बियरिंग हम वहाँ पे लगा चुके हैं, इसमें थोड़ा सा हम ग्रीस डालेंगे क्योंकि इसमें ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा इसमें। बैगन लाट अच्छी तरह से हम टाइट करेंगे इसको। अभी तो हमारा मेसिंग भैया रेडी हो गया है, इसका और भी है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों इसको घुमाकर हम देखते हैं। लाइन तो नहीं है लेकिन इन्वर्टर है हमारे पास। कितना जाम क्यों हो रहा है। एक तरफ सही चल रहा है, दूसरी तरफ दो अभी फेरी हो गया है। दिख लिख रहा हूँ
चल रहा है, यह हो गया हमारा पिनियम का बेयरिंग चेंजिंग का वीडियो, थोड़ा सा वीडियो। तो आपको देख के कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बता देना दोस्तों। ग्रीस ज़्यादा हो गया है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर कमेंट पे बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो एक बनता है इस वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।